हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NPCL काकरा पार गुजरात साइड रिजल्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि NPCL काकरा पार गुजरात साइड द्वारा आपके कुछ पोस्ट के फाइनल रिजल्ट जारी किए गए हैं और आप सभी ने अपने रिजल्ट चेक कर लिए होंगे और अभी भी बहुत सारी पोस्टों के रिजल्ट बाकी हैं। तो बाकी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि उनके रिजल्ट कब तक जारी हो सकते हैं और इसके साथ में जिन कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी उसके बारे में भी कमेंट आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार के अपडेट्स मिलते रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो फाइनल रिजल्ट जारी हुए हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक 8 रिजल्ट जारी किए गए हैं। एक रिजल्ट पहले जारी किया गया था और 7 रिजल्ट आपके 10 अप्रैल को जारी किए गए थे और ये रिजल्ट एक सीक्वेंस में जारी किए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन पोस्टों के एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हुए थे और जिनके स्किल टेस्ट भी बहुत पहले कंडक्ट हो चुके थे और जो कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे उनके रिजल्ट जारी किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक जो रिज़ल्ट जारी हुए हैं वो रिज़ल्ट जारी हुए हैं इंस्ट्रूमेशन वेल्डर और AC मैकेनिक, टर्नर मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स। और अभी जिनके रिजल्ट आना बाकी हैं उसके अंदर आपके हैं फार्मासिस्ट और इसके अलावा ST SA CAT 1 के जितने भी रिजल्ट हैं और साइंटिफिक असिस्टेंट B, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR और नर्स A और फार्मासिस्ट B और इसके साथ में STTN प्लांट ऑपरेटर और STTN इलेक्ट्रिशियन, इनके रिजल्ट भी जल्दी जारी किए जाएंगे। तो जिनके एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हुए थे उनके रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और अब आपके जो रिज़ल्ट आने की संभावना है, सबसे पहले आपका रिज़ल्ट आएगा प्लांट ऑपरेटर का और उसके बाद जितने भी इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे उनके रिज़ल्ट जारी किए जाएंगे और हो सकता है कि इन सभी पोस्टों के रिज़ल्ट एक दिन एक साथ में जारी कर दिए जाए और आपके रिज़ल्ट जल्दी ही जारी होंगे और उम्मीद यही है कि आपके रिज़ल्ट अप्रैल 3rd या फिर 4th वीक में जारी कर दिए जाएंगे सभी रिज़ल्ट। और यहाँ पर आपके फीटर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, फीटर की यहाँ पर 31 पोस्ट है तो इसका रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो जल्दी आपको या तो इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा या फिर इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी उसका नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो NPCL काकरा पार गुजरात साइड में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उनके रिज़ल्ट जल्दी जारी होंगे और आपका इंतज़ार जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो उनके आगे फ्यूचर में क्या प्रोसेस होगी। तो जिन भी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को NPCL की तरफ से ईमेल प्राप्त होगा। ईमेल के अंदर उनको SSQ एंड अटेस्टेशन फॉरम भेजने को कहा जाएगा। जब कैंडिडेट वो फॉरम फिलअप करके वापस प्लांट सेंड करेंगे उसके बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो टाइम लगता है मिनिमम लगता है 6 मंथ और मैक्सिमम लग सकते हैं आपके 1 ईयर। आपके लगभग ये समय लगता है वेरिफिकेशन होने में। तो जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा सभी का और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा और जब भी आपके SSQ और अटेस्टेशन फॉरम के संबंध में कोई भी जानकारी आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। और इसके अलावा भी आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।